Hello everyone, today we will study in this video topic about of population composition. Population composition का मतलब होता है जनसंख्या संगठन. So let's start this video, read about population composition. How crowded a country is has little to do with its level of economic development. किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश. यहाँ जैसा कि मैंने अभी एक सेंटेंस पढ़ा कि किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता. अगर अधिक जनसंख्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस देश का आर्थिक विकास भी अच्छा होगा. इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश और जापान बहुत ही ज़्यादा घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से विकसित देश है. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशा, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल. इन लोगों के इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है. पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है ये पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को दर्शाता है. द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दे आर एम्प्लॉयड इन, व्हाट देयर इनकम लेवल्स एंड हेल्थ कंडीशंस आर. और जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है जनसंख्या की संरचना को दर्शाने के साथ साथ जनसंख्या संगठन यह भी जानने में हेल्प करता है कि कितने मेल्स और फीमेल्स हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, वे कितने एजुकेटेड हैं और वे किस तरह का ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं, साथ ही उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं. इन एन इंटरेस्टिंग वे of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called NHSex pyramid. एक देश की population composition का अध्ययन करने की एक interesting method है जनसंख्या pyramid, जिसे आयु लिंग pyramid भी कहते हैं. A population pyramid shows the total population divided into various age groups. Example of 5 to 9 years and 10 to 14 years. एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है. फॉर एग्जाम्पल, 5 से 9 वर्ष तक और 10 से 14 वर्ष तक. द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इंटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स. इसके साथ ही कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में मेल्स और फीमेल्स को भी सब डिवाइड करता है. द शेप्स ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल इन लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. और जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी भी बताता है. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births. और बच्चों की संख्या जो कि 15 वर्ष से नीचे है निचले भाग में दिखाए जाते हैं और यह जो है level of birth को दर्शाता है. The size of the top shows the number of aged people above 65 years and reflect the number of deaths. और ऊपर का आकार
जनसंख्या पिरामिड का जो ऊपर का आकार होता है वह 65 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या को दर्शाता है और साथ ही यह नंबर ऑफ डेथ्स को भी दर्शाता है। ये हम अभी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं ये जनसंख्या पिरामिड के बारे में है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर आर इन अ कंट्री। इसके साथ ही पॉपुलेशन पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। दे आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स एज बिलो 15 ईयर्स एंड एडल्ट्री डिपेंडेंट्स एज ओवर 65 ईयर्स। और जो जनसंख्या पिरामिड है वह दो ग्रुप्स को भी बताता है जो कि आश्रित होते हैं, जो आश्रित लोगों की संख्या बताता है। ये आश्रित लोगों की संख्या युवा आश्रित लोग जो कि 15 वर्ष से कम आयु के हैं और वृद्ध आश्रित लोग जो कि 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और कार्यरत आयु वर्ग जो इकोनॉमिकली एक्टिव लोग होते हैं 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज बोर्ड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टूअर्ड द टॉप। और एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही ऊंचे हैं वह आधार पर चौड़ा होता है, बेस पर चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। और ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशवावस्था काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया का है। इस साइड इस ग्राफ को अभी तक जितना भी डिटेल आप इस स्टडी कर रहे थे वो जनसंख्या पिरामिड के बारे में था कि एक जनसंख्या पिरामिड किसी कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों को विभाजित किया जाता है। ये विभिन्न आयु वर्ग है जो कि 0 से 4, 0 से 4, फिर 4 से 5, 4 से 9, 10 से 14, इस तरीके से पूरा 65 प्लस तक ले ये है। फिर कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इनमें से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां भी उपविभाजित हैं, ये मेल्स एंड फीमेल्स भी विभाजित हैं। और जनसंख्या पिरामिड उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है कि कितने मतलब निचले भाग में, जैसा कि मैंने अभी हमने स्टडी किया कि इसमें किस तरीके से जो जन्म दर होता है वो नीचे से इसका आधार से ये चौड़ा चौड़ा होता है, ऊपर से ये तीव्रता से सकरा होता जाता है, ये भी हमने हमने अभी स्टडी किया। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या। और इस स्थिति में केन्या के पिरामिड द्वारा जो अभी हमने स्टडी किया कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर से तीव्रता से संकरा होता जाता है, ये इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है जो कि आपकी बुक में भी है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली एमोंगेस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग दे द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड। यहाँ यह बताया गया है कि जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु पौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं।
दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया, और यह भारत के पिरामिड में भी दिखाई देता है। सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलाउ नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। कम जनदर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इंडोवेट विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। सो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आपका ये ह्यूमन रिसोर्सेज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।